छोटू भाई श्रीराम तिलक शर्मा जी वो कैसे हम काटो जी जिसकी ड्यूटी लाग रही है ग्राउंड में, ग्राउंड में चले जाओ उड़े के लिए रिपोर्ट करें। ये इनके साथ नहीं दौड़े कोई भी, थोड़े से मोटिवेशनल सॉन्ग चलाते रहे बीच में जब भी दौड़ शुरू हो। ये यही आएंगे दो राउंड, पहला राउंड उसके बाद एक राउंड और है, फिनिश यही होना है जहां से स्टार्ट हुआ था। ट्रैक के बीच में कोई भी ना है, ट्रैक से दूर रहे सारे, ट्रैक के बीच में ना है, एक राउंड और है। ये ध्यान रखे जिनके जिम्मेवारी दी गई है फोर्थ सेकंड थर्ड को पकड़ने की, पूरा ध्यान रखे बच्चों का, कहीं ऐसा ना हो कोई एक ही चक्कर में आ जाए। चलो शाबाश, ट्रैक के बीच में कोई ना है। अब ये दूसरा जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचाओ बढ़िया।
ये जो भी कॉर्नर पर खड़े हैं तो नहीं सके तो जैसे बैट लगाते समय बच्चों का ध्यान रखें, चौकस रहें कॉर्नर पर या कॉर्नर से आगे जहां जहां बीच बीच में वाले पर खड़े हुए हैं तो बच्चों का ध्यान रखें पूरा बाबू या तो और जो भी खड़े हैं सबको हमारे पंजीयों के जो भी मेंबर वहां खड़े हैं जो भी सभी जो भी ड्यूटी दी गई है उसको अच्छे से निभाएं। तीसरी ईद पूरा आदरणीय दादा आनंद जी से, राजेंद्र सिंह प्रिंसिपल जी से, मास्टर सौम्य जी से जो हमारे स्कूल के हेडमास्टर हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि फूल माला आ जाओ। दादा जी मान साहब को पता है, मान साहब अपना नहीं छोड़ी दो तीन बजे बज नहीं भाई नमस्कार, मैं वेद प्रकाश, आप देख रहे हैं धाकड़ है हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं गांव पुर में और पुर में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और उस प्रतियोगिता में मास्टर सतीवीर रतेरा जी जो खन्नक और डाडम जो क्रेशर यूनियन उसके चेयरमैन है वो पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर हम उनसे बात करते हैं। सर स्वागत है धाकड़ हरियाणा में। धन्यवाद सर। आज सर दीपावली के अवसर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, क्या संदेश देना चाहते हैं? दीपावली के अवसर पर पूरे ग्रामवासियों को, पूरे निवासियों को, पूरे हल्का वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि पूरा प्रदेश खुशी खुशी आगे बढ़े, पूरा प्रदेश धनवान हो, हर गांव में हर घर में उन्नति हो, लक्ष्मी माँ का प्रवेश हो और हर परिवार खुशहाल रहे। और ये जो ग्रामीण खेल प्रतियोगिता कराई गई है इसमें बच्चे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा कार्य है, जिससे ये बच्चे आज सीख करके आगे प्रदेश लेवल पर, देश लेवल पर, ओलंपिक लेवल पर जाएंगे और गांव का नाम रोशन करेंगे। और यहाँ सीखने की जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं इसके लिए एनजीओ का, पूरे गाँव वासियों का, पूरे सहयोगियों का हार्दिक रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ। जिला स्तरीय प्रतियोगिता गांव में हो रही है तो सब क्या बेनिफिट होगा और बच्चों को कितना लाभ हो पाएगा? इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता का ग्रामीण बच्चों को बहुत लाभ होगा। जो बच्चे खेल में भाग भी नहीं ले रहे उनमें भी उत्साह होगा, वो भी भाग लेने की उनकी इच्छा जागृत होगी ताकि वो जल्दी इस प्रकार से अपने आप को तैयार करके अगली बार वो भी प्रतियोगिता में भाग लेंगे और सब में प्रतियोगिता का एक ये प्रारूप बढ़ेगा और बच्चों का हौसला बढ़ता है और बच्चों के अंदर एक उमंग होती है। ग्रामीण अंचल के बच्चे इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। आज जैसे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता है, जैसे बुड्ढों की दौड़ भी है, रस्साकसी भी है, रेस प्रतियोगिता भी है, तो इसमें सभी श्रेणी के लोगों को शामिल किया गया है, तो कैसा महसूस कर पाएंगे लोग और आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस तरह की प्रतियोगिता? मैं इस प्रतियोगिता से बहुत खुश हूँ, सभी ग्रामीण अंचल के लोग इस प्रतियोगिता से बहुत खुश होंगे क्योंकि समाज के सभी वर्गों के लोगों को इसमें शामिल किया गया है, कि बूढ़े हों, चाहे जवान हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हों, जिससे खेल की भावना बढ़ती है और भाईचारा बढ़ता है, ताकि भाईचारा बढ़ने से हमारा समाज का एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, अच्छे देश का निर्माण होता है, ताकि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।